नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां बसखारी रोड स्थित एस हॉस्पिटल द्वारा विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का निशुल्क परीक्षण कर मुफ्त दवाएं वितरित की गई। चिकित्सालय के सर्जन डॉक्टर प्रशांत शुक्रवार ने बताया कि जरूरतमंद के सेवा भाव के मकसद से यह कैंप लगाया गया है। सभी मरीजों का परीक्षण हो सके इसके लिए 7 चिकित्सकों की टीम भी बनाई गई है। मरीजों में काफी खुशी की लहर है, इससे सब चिकित्सक भी उत्साहित हैं। इस दौरान ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स डॉक्टर प्रीति सिंह भी मौजूद रही और इस प्रयास की काफी सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंद को अच्छी और निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था देना बहुत ही पुण्य का काम है। ऐसे कैंप लगाते रहिए। इस निःशुल्क मेडिकल कैंप में गैस्ट्रो एवं लोपोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर प्रशांत शुक्रवार, दिल्ली के न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल नाथ तिवारी, MD रेडियोलॉजी डॉक्टर अतुल गुप्ता, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण मौर्य, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा पांडे, कैंसर सर्जन डॉक्टर विवेक मल्होत्रा, बंगलौर के चिकित्सक डॉक्टर सराफत तौहीद द्वारा मरीजों को निःशुल्क परीक्षण किया गया। कैंप में लगभग 250 मरीजों का निःशुल्क इलाज भी किया गया। मरीज धर्मेंद्र और निशा ने बताया कि हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब इलाज यहाँ ही मिलेगा तो हमारा खर्चा और समय भी बचेगा और अपने घर में इलाज मिलेगा। इस दौरान लगभग 250 मरीजों ने अपना इलाज करवाया। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा डॉक्टर प्रशांत शुक्रवार सर्जन ने, आप सुनिए। उद्देश्य ये था बेसिकली लोगों को जो पैसे महंगी दवाइयाँ और जो सुपर स्पेशलिटी बेसिकली न्यूरो सर्जरी ये सब अभी इतना फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं है, उपलब्धता नहीं है यहाँ पे, तो हम लोगों ने कोशिश यही किया कि एक पहल किया जाए कि लोगों को कम से कम खर्चे में बेहतर से बेहतर सुविधाएँ पहली बार दी जाएँ और अगर पॉसिबल रहा तो इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि सारा कुछ खेल जो है इसमें वॉल्यूम, जितने ज़्यादा लोग होंगे तो इलाज का खर्चा भी कम होता जाता है। तो ये बेसिकली एक मकसद यही था कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो खर्चे कम होते जाएंगे और शायद कम पैसे में बेहतर सुविधाएं हम लोग। और राहुल नाथ तिवारी सर हैं न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर अरुण मौर्य जो हमारे हैं न्यूरो सर्जन यहाँ पे आए हुए हैं, एंड डॉक्टर सीमा पांडे मैम थोड़ी ऐसे भी आ रहे हैं हमारे पास आज, और कैंसर सर्जन जो हमारे हैं डॉक्टर विवेक मल्होत्रा भी आज रहेंगे। तो मतलब काफ़ी लोग हम लोग जो पोषार्थक हैं हमारे साथ, तो काफ़ी लोग हम लोग जो है सारे लोग मिल के तब से। खबर आजमगढ़ से, जहां अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों तथा सपा समर्थित प्रत्याशियों के ऊपर अपना विश्वास जताने के लिए प्रदेश की सम्मानित जनता का हार्दिक आभार व्यक्त किया। विशेष रूप से आजमगढ़ की जनता का आभार, यहां जिसने यहां से 16 में से 10 प्रत्याशियों यानी समाजवादी पार्टी के 5 तथा समर्थित 5 प्रत्याशियों को जिताकर समाजवादी पार्टी की नीतियों और उसके मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है तथा भाजपा को मात्र एक सीट देकर उसके DNA यानी कि धार्मिक और नफरती एजेंडे को नकारने का काम किया है। मेरे से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने, आप सुनिए। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों और समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए सम्मानित जनता का हार्दिक आभार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लगभग 15% अपना स्ट्राइक रेट रहा समाजवादी पार्टी का, और लगभग 10-12% समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी भी जीते हैं। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन ऑन एवरेज रहा, लेकिन जो भी आशानुरूप परिणाम नहीं आए हैं पार्टी उस पर गहन मंथन करेगी। और रह गई बात आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में लगभग 16 सीटें थीं नगर पंचायत पालिका मिलाकर के, जिसमें 5 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जीते हैं और 5 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के समर्थित जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 1 प्रत्याशी जीता है। तो उत्तर प्रदेश में परिणाम ऑन एवरेज रहा, लेकिन आजमगढ़ में परिणाम समाजवादी पार्टी के बम्पर पक्ष में रहा और समाजवादियों की साइकिल यहाँ पे खूब दौड़ी है आजमगढ़ में।
तो एक बार फिर से मैं प्रदेश की जनता को और आजमगढ़ की जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आजमगढ़ से जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र लालधर यादव निवासी ग्राम विशौली थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 19 वर्ष द्वारा बादनी की नाबालिग पुत्री को प्यार के जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाया गया है, जिससे पीड़िता 8 माह के गर्भ से हो गई है। वादनी द्वारा अभियुक्त से शादी की बात करने पर अभियुक्त द्वारा वादनी व पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 376/506 पॉक्सो एक्ट SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया। वहीं आपको बता दें थाना अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे महमराय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र लालधर यादव निवासी ग्राम विशौली थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ को मंजूरी दिया है, से करीब 10:30 बजे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चलान माननीय न्यायालय किया गया है। आजमगढ़ के सगड़ी से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर पुरुषोत्तम यादव रहे। वहीं सबसे उत्तम पुरुषोत्तम यादव ने 1,458 मत पाकर विजयी हुए हैं। वहीं 1,366 मत पाकर नर्मदा गुप्ता दूसरे स्थान पर रहीं। 94 मतों से पुरुषोत्तम यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को सगड़ी तहसील पर मतगणना को लेकर सुबह से शाम तक रोमांच बना रहा। शुरू से ही लड़ाई त्रिकोणीय रही। मतगणना के शुरू होने से नर्मदा गुप्ता पुरुषोत्तम यादव से आगे चल रही थी। वहीं आपको बता दें कि बीच बीच में बसपा प्रत्याशी निहाल मेहंदी भी पुरुषोत्तम यादव व नर्मदा गुप्ता से आगे चल रहे थे। त्रिकोणीय संघर्ष में 11 वार्ड की मतगणना में उठापटक के बाद शाम को हुई मतगणना हसनपट्टी व आदर्श नगर की मतगणना के बाद पुरुषोत्तम यादव ने अंतिम बढ़त बनाई, जिसमें पुरुषोत्तम यादव को कुल 1,458 मत मिले। वहीं नर्मदा गुप्ता को 1,166 मत मिले। इस प्रकार पुरुषोत्तम यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 94 मतों से पराजित कर दिया। आपको बता दें नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर विजयी हुए। वहीं देर शाम तक पुरुषोत्तम यादव को प्रमाण पत्र देकर जीवनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने उनको उनके घर तक पहुंचाया। वहीं पुरुषोत्तम यादव के समर्थकों में उत्साह का माहौल रहा। समर्थक मतगणना के बाहर नारेबाजी करते नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा जी। सर, आप जो है नगर पंचायत जीवनपुर का चुनाव जीत चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस अपनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देता हूं कि ये मेरी जीत नहीं, ये जीएनपुर जनता की जीत है। धन्यवाद। और जीएनपुर की जनता ने जिस तरीके से आपके ऊपर भरोसा जताया है, क्या आप उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे? मैं पूरा खरा उतरूंगा और जनता के लिए हित में काम करूंगा। यहाँ पर जो कि 16 थे प्रत्याशी मैदान में, लेकिन आपको जनता ने चुना है, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? मतलब हेलो, हाँ, क्या पूछे हैं? 16 प्रत्याशी थे यहाँ पर मैदान में, लेकिन जनता ने आपको चुना, तो आप उनके लिए मतलब क्या कुछ विकास करेंगे? जनता के लिए विकास ही का काम किया जाएगा, जनता के लिए किया जाएगा। उन लोगों में सबसे बेहतर हमको समझे, जनता ने हमको चुना है तो हम उनके हर एक वादे पे खरा उतरने का प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। आजमगढ़ से जहां आजमगढ़ के तरौलिया में निकाय चुनाव में हार के बाद भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद ने लोगों को जताया आभार। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में जहां भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, वहीं प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद ने नगर पंचायत की देवतुल्य जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मेरे हार का प्रमुख कारण है कि सभी वार्डों से अपने सभासद को नहीं खड़ा कर पाए, लेकिन यहाँ की देवतुल्य जनता ने मुझे अपना स्नेह आशीर्वाद दिया। आगे की सेवा अनवरत करता रहूंगा। इसी तरह से अनवरत नगर की देवतुल्य जनता की सेवा करता रहूंगा, चाहे वह आवास योजना हो, चाहे अन्न योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो। जो भी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ सभी गरीब परिवारों को दिलाना मेरा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य और आशा विश्वास के साथ आज पूरा जनता के बीच में खड़ा हूँ। आज सुनाते हैं कि भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद ने क्या कुछ कहा। सर्वप्रथम मैं इस आदर्श नगर तरौलिया की जनता को अभिवादन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूं, साथ ही उन सबका आभार प्रकट करता हूं कि इस नगर पंचायत तरौलिया की जनता ने मुझको बहुत ही ज़्यादा प्रेम और अपना आशीर्वाद दिया है। इस नगर पंचायत तरौलिया में मेरे समझ से मेरे हारने का एक कारण है कि हम अपना सभासद हर वार्ड से नहीं लड़ा सके, यही हमें शायद कमी रह गई है। बाकी जनता ने जिस तरह से प्रेम और स्नेह हमको दिया है, वे बहुत ही काबिल तारीफ़ है।
मैं अपने इस नगर पंचायत की जनता का बहुत ही आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बिल्कुल, मैं जब से जुड़ा हूँ इस भाजपा से, इस भाजपा पार्टी से, तब से मैं लोगों की सेवा का ही काम करता हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी करता हूँ। कोरोना काल था जब कोई भी डॉक्टर देख नहीं रहे थे किसी को, तो मैं उस समय अपनी जान जोखिम में डाल करके गरीब लोगों, असहाय लोगों की सेवा करता था। जिसके पास पैसा था उसका भी, जिसके पास नहीं था उसका भी, मैंने तन मन से अपना सेवा दिया है उस कोरोना काल में। जबकि उस समय मौजूदा चेयरमैन जी अपने घर से बाहर भी नहीं निकले थे, लेकिन मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर था, तत्पर हूँ और तत्पर रहूँगा। भाजपा जितनी भी समस्याएं होंगी, मैं उनकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार रहूँगा। चाहे किस भी प्रकार की योजना हो जो उनको नहीं मिल रही हो, चाहे आवास योजना हो या प्रधानमंत्री द्वारा चालित अन्न योजना हो या पेंशन योजना हो या किसान योजना हो, किसी भी तरह की अगर उनको कोई समस्या इस तरह की आती है तो मैं उनका भरपूर सहायता करूँगा। साथ ही साथ यदि कोई और उनकी प्रॉब्लम आती है तो उनकी आर्थिक मदद भी मैं करूँगा। मैंने जनता की सेवा के लिए उनके सुख दुख में मैं हरदम सदैव तत्पर रहूँगा। जो भी जैसा चाहेगा मेरे पास आएगा, मैं मुझसे जो हो सकेगा, जो बन सकेगा, मैं उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। क्योंकि मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ और जनता की बात को मैं समझता हूँ। जनता मुझसे जुड़ी हुई है और मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ। चुनाव था, हार जीत तो लगी रहती है। जनता के ही प्रेम स्नेह से मैं 20 साल के चेयरमैन को इतनी बड़ी टक्कर दे पाया। वह मेरा नहीं, इस नगर पंचायत रौलिया की जनता का प्रेम और स्नेह था जिसकी बदौलत मैं इतनी ऊंचाई तक पहुंचा हूं। पर आजमगढ़ से, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सपा प्रत्याशी ललिता अजय साहनी ने किया कब्जा। आपको बता दें, निकटतम प्रतिद्वंदी नीतू जसवाल को 990 मतों से पराजित कर मतगणना में शुरू से अंत तक बनाए रखी बढ़त। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार सगड़ी तहसील पर शनिवार की सुबह लगभग 8 से मतगणना को लेकर उत्साह बना रहा। वहीं मतगणना में शुक्रवार से शुरू से दोपहर तक त्रिकोणीय संघर्ष रहा। सपा भाजपा के साथ निर्दलीय प्रत्याशी ने जमकर लड़ाई लड़ी, पर सपा प्रत्याशी ललिता अजय साहनी शुरू से अंत तक बढ़त बनाए रखी। वहीं ललिता साहनी ने 11 वोटों की मतगणना के बाद कुल 2,967 प्राप्त किया। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी नीतू जसवाल ने 1,977 मत प्राप्त किए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ललिता साहनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीतू जसवाल को 990 मतों से पराजित किया है। वहीं विजेता बनने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल सहित कार्यकर्ताओं ने ललिता साहनी को माल्यार्पण कर बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा। सगड़ी तहसील के बाहर प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी खूब जमकर हुई। मेरा नाम शिवम है। हाँ, और यह जो आप देख रहे हैं ललिता साहनी अजय साहनी, यह युवाओं की जीत है। हाँ, और यह काम जमीनी स्तर पर करने वाले लोगों की जीत है, उन गरीब हमारे नहीं, पूरी जनता की जीत है, हमारे पूरे नगर पंचायत की जीत है। नगर पंचायत अजमतगढ़ ने आपके ऊपर जिस तरह से भरोसा किया है, आप क्या उस भरोसे पर खरा उतरेंगे? हर संभव कोशिश करेंगे उस पर खरा उतरें। हाँ, आजमगढ़ से, जहां विद्यालय में मदर्स डे के अवसर पर बच्चों द्वारा मां की ममता पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। आपको बता दें कि क्षेत्र के एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल भगवानपुर मध्यापार में 14 मई को मदर्स डे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों द्वारा मां की ममता, मां का प्यार का नाटक, नृत्य तथा स्पीच देकर उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। विद्यालय में प्राइमरी जूनियर सेक्शन के बच्चों ने ड्रामा और डांस के माध्यम से मातृत्व दिवस के अवसर पर लोगों को मां का स्थान बताने का प्रयास किया। मां का स्थान जीवन में सबसे ऊपर होता है, जिसकी सभी उपस्थित लोगों ने प्रशंसा की। प्राइमरी सेक्शन के बच्चों ने बहुत ही अच्छा डांस प्रस्तुत किया, जो कि मां की ममता पर निर्भर था, जिसकी काफ़ी प्रशंसा की गई। उन्होंने कहा कि मां का स्थान जीवन में सबसे बड़ा स्थान होता है, मां हर स्थान पर हर परिस्थितियों में हमारा साथ देती है। आप सुनाते हैं कि विद्यालय के अध्यापक प्रदीप यादव ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय और विद्यालय का नाम बताते रहिए कि आपके विद्यालय में किस चीज़ का प्रोग्राम हुआ है। मायसेल्फ प्रदीप यादव, टीचर ऑफ एसडी ग्लोबल स्कूल। आज हमारे स्कूल के प्राइमरी जूनियर सेक्शन के बच्चों ने कुछ ड्रामा फोक डांसर्स के माध्यम से मातृ दिवस मदर्स डे के अवसर पर लोगों को माँ के स्थान को बताने का प्रयास किया कि माँ का स्थान इस लाइफ में, सभी के लाइफ में बहुत ही ऊपर होता है।
जिसकी हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम और सारे टीचर्स और जो भी गेस्ट लोग आए थे बहुत सारी प्रशंसा की। कोई ऐसा प्रोग्राम जो बच्चे ने किया हो, सभी आपके अभिभावक लोगों और सबको मन छू गया हो, ऐसा कुछ कर रहा है? हाँ, हमारे प्राइमरी के बच्चों ने एक बहुत ही अच्छा फोल्क डांस किया जिसकी सारे गेस्ट लोगों ने बहुत ही प्रशंसा की। उन्होंने माँ की मम के बारे में बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। जी बिल्कुल, हम आपके माध्यम से इस सोसाइटी को और सारे बच्चों को एक संदेश देना चाहते हैं कि माँ का स्थान ही हमारे लाइफ में सबसे बड़ा है। माँ ही एक ऐसी चीज़ है जो हर स्थान पे और हर कंडीशन में हमारा साथ देती है। थैंक यू। आजमगढ़ से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चेयरमैन विजयी घोषित किए गए सरफराज आलम को ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से पौधा भेंट करते हुए माला पहनाकर मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराते हुए शुभकामनाएं देते हुए एलवल सभासद प्रत्याशी मनोज कुमार यादव को बरौली कार्टन पौधा देकर मिठाई खिलाकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, वहीं रैदपुर से सभासद सत्येंद्र कुमार को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा डेवी कार्टन पौधा देकर मुंह मीठा कराते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी गई। वहीं चेयरमैन सरफराज आलम ने बताया कि हम जनपद आजमगढ़ को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे और सफाई के प्रति हमेशा जागरूक करते रहेंगे, जिससे कि हमारा जनपद शुद्ध हो व सुंदर हो, वहीं स्वच्छ हो। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सीपी यादव, हम लोग सफाई के प्रति हमेशा जागरूक करते रहेंगे। वही दिन व रविवार को कहीं ना कहीं एक पौधा लगाकर संदेश देते हैं, आप लोग इसी तरह एक पौधा लगाते रहिए, अपने घर के आसपास स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण बनाए रखिए। नवीन चतुर्वेदी ने बताया कि हमें भविष्य में जीवन को बचाए रखने के लिए पर्यावरण का सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। वहीं गुलाब चौरसिया ने बताया कि यह पृथ्वी निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को सुरक्षित करके रखे। वहीं जिला महामंत्री ओमकार नाथ ने भी बताया कि पर्यावरण का संबंध जीवित और गैर जीवित चीज़ों से है। वहीं जहानागंज ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रताप यादव ने बताया कि यह हमारे आसपास मौजूद होते हैं और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वहीं आज के बधाई समारोह में पौधारोपण में जिलाध्यक्ष सीपी यादव, जिला महामंत्री नवीन कुमार चतुर्वेदी, जिला महामंत्री ओमकार नाथ, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, जहानागंज ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रताप यादव, कार्यालय सचिव अशोक कुमार आदि लोग मौजूद रहे। नगर पालिका पद पर सम्मानित विजयी घोषित हुए सरफराज आलम जी को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा उनको पौधा भेंट करते हुए मुंह मीठा कराकर उनको शुभकामनाएं देते हुए कि आपका जीत होने पे हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ग्रामीण सफाई कर्मचारी इसी तरह शुभकामनाएं देते हुए सभासद मनोज यादव जी को, जिलाध्यक्ष सीपी यादव, नवीन कुमार चतुर्वेदी, गुलाब चौरसिया, ओमकार नाथ, राम प्रताप यादव, उनके आवास पर जाके आलोर पर शुभकामनाएं देते हुए पौधा भेंट करते हुए हार्दिक बधाई देते हुए कि सभासदी पर आप विजयी घोषित हुए। रैदोपुर में सत्येंद्र कुमार जी को घर पे जाके अशोक कुमार और सीपी यादव, नवीन कुमार चतुर्वेदी, राम प्रताप यादव, गुलाब चौरसिया आदि लोगों ने जाकर उनको माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर पौधा भेंट करके उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए। केतरौलिया से है, जहां गरीब किसान का बेटा बना असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। आपको बता दें, गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अतरौलिया क्षेत्र के पचरी गांव निवासी रामजी मौर्य प्रधान का बेटा विशाल मौर्य ने एसएससी सीजीएल द्वारा आयोजित परीक्षा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी द्वारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ बनकर पूरे गांव व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं रविवार को इलाहाबाद से गाँव पचरी पहुँचने पर लोगों ने उसका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं बौद्ध परिवार के होने के नाते सर्वप्रथम गांव में बने गौतम बुद्ध के मंदिर पर दीप प्रज्वलित कर मिठाई खिलाकर लोगों ने उसका स्वागत किया। इस दौरान डीजे की धुन पर लोग थिरकते भी नजर आए। विशाल मौर्य की प्राथमिक शिक्षा ज्ञान उद्यान बाल विद्या मंदिर भवनाथपुर अतरौलिया से हुई है तथा जूनियर हाई स्कूल पचरी से
हुआ है। आपको बता दें इंटरमीडिएट व हाई स्कूल की परीक्षा चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़ से होने के उपरांत बीटेक के लिए नोएडा चले गए थे, जहां उनका एक कंपनी में कैंपस सिलेक्शन भी हो गया था। कुछ दिन कार्य करने के उपरांत उन्होंने उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात 2022 में इलाहाबाद चले आए और अपने छोटे भाई विराट मौर्य के साथ रहकर इलाहाबाद में तैयारी करने लगे। विशाल मौर्य के पिता एक साधारण परिवार से आते हैं और गाँव के प्रधान भी हैं। माता मीरा देवी कुशल गृहिणी हैं। विशाल मौर्य ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व रिश्तेदार व अपने छोटे भाई व गांव के लोगों को भी दिया है। आज सुनाते हैं कि विशाल मौर्य और उसके पिता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा? आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उसके बारे में बताइएगा। मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी। करीब दो तीन साल मुझे इलाहाबाद में लगा। उसके पहले भी बीटेक में भी काफ़ी मेहनत थी और लगातार दो साल से करीब इलाहाबाद में रोज़ 7-8 घंटे की पढ़ाई करते थे और बाकी घर परिवार का बहुत सहयोग रहा। पापा हमारे हैं, इनका बहुत सहयोग रहा, छोटा भाई है उसका बहुत सहयोग रहा और गांव वालों का बहुत सहयोग रहा। सबके सहयोग की मदद से आसान हो गया। तो आज गांव पे आए हैं, काफ़ी स्वागत भी हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सफलता आपको, इसका श्रेय किसको देंगे आप? सबसे पहले तो पिताजी को देंगे और माताजी हमारी और बाकी और भी बहुत बुजुर्ग हमारे यहाँ के बड़े जो भी हमारे हैं गांव के लोग हैं, सबका सहयोग रहा हमारी सफलता में, सबका धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। आप युवा हैं, युवाओं की टोली भी आपकी लंबी है, उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि गलत रास्ते का मतलब सबसे पहले भटकाव से दूर हों, मोबाइल में गलत चीज़ों से दूर हों, नशे से दूर हों और एक लक्ष्य बनाएं। जो भी लक्ष्य बनाएं उसके लिए 1 साल 2 साल जो भी लगे उसमें बहुत मेहनत से एकदम सीरियस हो गए अगर उसके लिए कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप जो बहुत जल्दी से जल्दी सफल होंगे। अगर आप भटकाव के रास्ते पर रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए बस यही है कि एक लक्ष्य बनाइए और उस पर चलते रहिए और एक दो बार आप असफल हो सकते हैं लेकिन सफलता जरूर मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। क्या इस सफलता से आप खुश हैं या इसके आगे भी कुछ करना चाहिए? नहीं, मैं इससे संतुष्ट हूँ लेकिन मेरा आगे अभी प्रयास जारी रहेगा। अभी मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है जो SSC CGL कराती है। अभी मैं आगे UPSC के लिए प्रयासरत रहूंगा, अगर उसमें कुछ अच्छा हो गया तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा इससे और आगे। प्रधान जी, गांव के मुखिया आप हैं और आपका लड़का आज इतनी बड़ी सफलता हासिल किया है, तमाम डीजे वीजे भी बज रहे हैं, इसके बारे में बताइए। बहरहाल अब जो भी सफलता है ये मान कर चलिए कि मेरी सफलता के पीछे जो है मेरी पूरी ग्राम सभा का एक तरह से हाथ है। हो सकता मेरी चूंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन मैं प्रधान हुआ और प्रधान भी हुआ, यहाँ मेरा 25-30 परिवार इस गाँव में है जो है, जो मौर बिरादरी से आता है, वे सारे लोग प्रधानी लड़ रहे थे, मैं नहीं लड़ रहा था, मेरे पास पैसा भी नहीं था लेकिन सब लोगों ने कहा कि आपको पैसा दिया जाएगा, चंदा दिया जाएगा, आपको प्रधान बनाया जाएगा और इस गांव की जनता ने मुझको प्रधान बनाया। और जब मैं प्रधान हुआ तो मेरे बच्चों का जो मनोबल थोड़ा बढ़ा कि पापा प्रधान हो गए हैं और हम लोग भी जो है मेहनत के साथ मतलब ये लोग लिए और मेरे बच्चे जो है दोनों बच्चे जो हमेशा समय से जो है समझौता किए, कभी मेरे ऊपर ये दबाव नहीं बनाया कि आधुनिक संसाधन जो भी रहा हो। ये मेरे बच्चे, मेरा छोटा वाला बच्चा तो काफ़ी दिनों तक मोबाइल से सब दूर रहा जो है और वो जो है BSc MSc है और BSc MSc में मेधावी स्कॉलरशिप भी वो 17,000 प्रतिवर्ष जो है पाता था, वो भी इनके साथ है। तो मैं इनके सफलता में मेरा तो जो सहयोग है ये है मेरे हित मित्र का, मेरे नात रिश्तेदार का, मेरे गाँव की सारी जनता का, सभी लोगों का सहयोग है। सबके सहयोग से मैं जो है इस मुकाम तक अपने बच्चों को जो है पहुँचा पाया हूँ।